जबलपुर शहर महानगर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ रहने वाले लोग हर तरह से संपन्न और सक्षम हो रहे हैं। वहीं शहर की बसाहट का दायरा जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से शहर का ट्रैफिक चौपट हो रहा है। बेतरतीब ट्रैफिक को देखकर शिक्षित और संपन्न लोगों का ट्रैफिक सेंस कमजोर नजर आता है। सड़कों पर चलने वाले भारी वाहन हर सड़क पर जाम की वजह बन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर के व्यापारी भी सड़कों तक अपनी दुकान का सामान रख लेते हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही में खासी परेशानी होती है। ऐसा ही नजारा शहर के उपनगरीय क्षेत्र गरा के मुख्य मार्ग पर भी देखने को मिला, जहां मदन महल से मेडिकल जाने वाले मार्ग पर शाम को इस कदर जाम लगा कि सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों ने ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन की अनदेखी को ट्रैफिक व्यवस्था के लिए दोष दिया, तो दूसरी तरफ सड़कों पर दुकान, ठेले व टपरे लगाने वालों को भी कोसते हुए दिखाई दिए। हालांकि लोगों ने किसी तरह अपने वाहनों को तो निकाल लिया, लेकिन यह तस्वीर शहर की चौपट यातायात व्यवस्था का सबूत है। कम से कम भाई साहब 2 से 3 घंटे हो गए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। गाड़ियां देख रहे हो आप, जैसे कि यहाँ पे एम्बुलेंस भी फंसी हुई हैं, बसें भी फंसी हुई हैं स्कूल वाली। 2 से 3 घंटे हो गए लगभग, बहुत ज़्यादा जाम, और यहाँ डेली ही जाम लगता है। किस कारण से यहाँ जाम लगता है? यहाँ ट्रैफिक इस वजह से लगता है, जैसे अब ये खुदाई हो रही, सामने नगर निगम का कार्य लगा हुआ है, और दूसरी चीज़ रोड चौड़ी नहीं है। डंपर वगैरह निकलते हैं यहाँ से, हाईवे निकलते हैं, बसें निकलती हैं, मेट्रो। आप जैसे क्या है, आम जनता को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये कौन सा एरिया कहाँ है? ये त्रिपुरी चौक। मेरा नाम राजा चक्रवर्ती, यहीं क्षेत्रीय निवासी। ये भैया आप जो जाम देख रहे हैं, ये जो यहाँ से बड़ी बड़ी बसें निकल रही हैं, जिनके कारण ये जाम हो रहा है, तो इन बसों का आवागमन कम यहाँ से किया जाए, जिससे आम जनता को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। डंपर, बड़े हाईवे, ये सब निकलने की, ये कोई जगह थोड़ी बनी हुई है इन लोग के निकलने की। यहाँ पे एक बैरियर लगा के इन सब बसों को, बड़े वाहनों को बंद किया जाए, जिससे आम पब्लिक परेशान ना हो। नो एंट्री तो आजकल समझ में आना बंद हो गया, क्योंकि किसी भी समय कोई भी हाईवे 100 रुपये 50 रुपये दे के अपना अंदर आ जाता है, अपना काम करके चला जाता है। उनको पुलिस वालों को फायदा हो रहा है, इनको आने जाने में परेशानी नहीं हो रही, हम लोगों को परेशानी होती। हम लोग जानते ही क्या परेशानी होती। अब अर्जेंट में कहीं जाना होता तो इस जाम में फंस जाओ, तो आगे हम जिस समय पे हमको जाना है उस समय। कौन सा रूट है ये? अपना गढ़ा रोड कहते हैं इसको अपन, जहाँ की स्थिति हमेशा जाम की बनी हुई है। दिनेश चौबे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999।